दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मंगलवार कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में अंजन निवासी एक युवक ने अपनी पीड़ा बताते हुए बड़वानी कलेक्टर श्री राहुल फंटिंग को आवेदन देकर पट्टा जारी करवाने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की मांग को आवेदन दिया। अंजन निवासी युवक रोहित सिंह पिता कल्याण सिंह मंडलोई ने बताया कि वे विगत 30-40 सालों से स्थानीय वार्ड क्रमांक 13 में निवासरत है, जहाँ उनका कच्चा मकान जो कि कभी भी गिर सकता है, जिसका पट्टा नहीं बना हुआ है, जिस कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। आगे बताया कि पट्टा जारी करवाने के लिए कई बार नगर परिषद अंजड़ के चक्कर लगा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब बड़वानी जनसुनवाई कलेक्टर महोदय को आवेदन कर पट्टा जारी करवाने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया है। आपका नाम? रोहित मंडल। कहाँ के निवासी हो? अंजड़ का। अच्छा, जो जनसुनवाई में किस लिए आया आप? मैंने पट्टे के लिए आवेदन दिया है। अभी इसके पहले भी आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मेरा पट्टा नहीं बन रहा है और पट्टा नहीं बनने के कारण मुझे आवाज भी नहीं मिल रहा है। कई बार इसकी शिकायत मैंने कर दी है। अच्छा, पट्टे के लिए आपने जो है कहाँ जगह ये जगह अंजड़ में है, हरिजन मोहल्ले में। इसके पहले कई बार अंजड़ नगर परिषद के जो कर्मचारी वो पट्टा मतलब पूरा वो भी करके ले गए हैं, पर अभी तक बना के नहीं दिया। सर्वे भी करके ले गए? कार्रवाई भी दी है। सर्वे भी करके ले गए? हाँ, सर्वे करके गए, दो से तीन बार करके गए। तो उस पट्टे में अभी निवास कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? हाँ, कर रहा हूँ ना निवास। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? मुझे 20 साल होने में आ गए, बचपन से वहीं रह रहा हूँ। अभी तक वो पट्टा बना ही नहीं? हाँ, पट्टा नहीं बनने के कारण मुझे आवास भी नहीं मिल रहा है। आवास लाभ भी नहीं मिल रहा? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। इस संबंध में कलेक्टर साहब को दिया था? हाँ, अभी पिछली बार भी आवेदन दिया था और अभी भी दिया है। मांग की है कि मेरा पट्टा जल्द से जल्द बने तो मुझे रहने के लिए सहारा मिले। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? अभी वो बोला है कि हम भेजेंगे अधिकारी को जांच के लिए, तब देखते हैं क्या होता है।